एवियन एम्ब्रियोलॉजी, द गैस्टोलेशन फर्स्ट था कॉन्टेंट्स पेरमेट स्टिक नोड फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म फर्स्ट था पेरमिटिव स्टिक स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो हमारे पास एवियन एम्ब्रियोलॉजी है इसमें जैसे ब्लास्टुलेशन जब कंप्लीट हुई है तो ब्लास्टुलेशन के कंप्लीशन के ऊपर देर आर टू लेयर्स दे द एपी ब्लास्ट देर इज द हाइपोब्लास्ट एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में एक स्पेस बन चुकी है जिसको हम ब्लास्टोसील का नाम देते हैं अब इसके बाद आगे जो है वो प्रोसेस जो होगा वो गैस्ट्रुलेशन का स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रुलेशन को बाय डेफिनेशन हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म थ्री जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मिजोडर्म तो एक्टोडर्म मिजोडर्म और एंडोडर्म के बनने का जो प्रोसेस है इसको हम गैस्ट्रुलेशन एक्चुअली कहते हैं और जो एम्ब्रियो होगा जब वो तीनों लेयर्स के अंदर बन रही होंगी उसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द गेस्ट्रोला अब जो जर्मिनी लेयर्स बनने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमारे पास जो एपीब्लास्ट है एपीब्लास्ट के ऊपर मिडियल लाइन यानी कि सेंटर में एक लाइन अपीयर होगी दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रिमिटिव स्ट्रीक आमतौर तो पर एक एंड से अपीयर होकर एंटीरियरली बढ़ना शुरू कर देती है जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसको जैसे जिस तरफ बढ़ रही होती है दैट इज़ कॉल्ड द एंटीरियर एंड और जहाँ से स्टार्ट हुई हो होती है उसको हम कहते हैं इट इज़ द पोस्टीरियर एंड पेमिटिव स्ट्रीक जैसे ही बनेगी एपीब्लास्ट के ऊपर तो इसके साथ ही जो एम्ब्रियो है उसकी डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगी जहाँ से प्रमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू हुई थी दैट इज द पोस्टीरियर एंड और जिस तरफ बढ़ रही है दैट इज़ द एंटीरियर एंड इसी तरह से जो प्रीमिटिव स्ट्रीक का एक तरफ जो होगी वो राइट साइड होगी और दूसरी साइड हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड होगी तो इस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रिक बनते ही एम्ब्रियो की एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड लेफ्ट साइड राइट साइड का जो है वो क्लियर हो जाएगा अब द नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा कि जो प्रिमिटिव स्ट्रिक जैसे ही आगे की तो बढ़ेगी फॉरवर्ड जो है वो एंटीरियरली मूव करेगी तो प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो एंटीरियर एंड है ये थोड़ा सा जो है वो प्रेमिट स्ट्रीक के बाकी एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा थिक होगा जिस थिक एरिया ऑफ परिमिटिट्रीक इज कॉल्ड नोड अब हैंसन नोड बेसिकली पेमिटिव स्ट्रीक का ही एक एंड है जहाँ से प्रमिव स्ट्रीक बिल्कुल यानी कि एंटीरियर एंड हो जो होगा वो इसका हैंसन्स नोड है इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो सेल्स की सबसे पहले माइग्रेशन होगी गैस्ट्रुलेशन बनाने के लिए या इसको म्यूजन फॉर्मेशन के लिए तो वो सबसे पहले हैंसन नोड से स्टार्ट होती है हैंसन नोड को अगर हम देखें तो ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बनता बनाता है जहाँ से सेल्स ऊपर से माइग्रेट करके जो वो ब्लास्टोसील जहाँ मौजूद थी जिसको यानी कि दो जो लेयर्स हैं एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट उसके दरमियान स्पेस में चले जाते हैं सेल्स तो इस तरह से जो हैंज uh, नोड है इट इज़ फनल लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ से सबसे सेल से, पहले सेल क्या करेंगे माइग्रेट करेंगे सो so, अगर हम हैंडसन नोड को कंपेयर करें एम्फीबियंस के साथ तो इस तरह से एम्फीबियंस के अंदर ब्लास्टोपोर्स होता है ब्लास्टोपोर सेल क्या करते हैं इन्वेजिनेट करते हैं सिमिलरली जो एव्स हैं यानी चिक एम्बरी है या बर्ड्स है, जो हैं उनके अंदर जो नोड है इट इज प्लेइंग इट्स रोल एज द जो इसका जो इसका जो रोल होगा हमारे पास इट इज़ द द्लास्टोपोर रोल इसका हमारे पास आएगा अच्छा यहाँ थोड़ा सा देख रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक बनेगी कैसे अगर ये हमारे पास एक फ्लैट एपी ब्लास्ट है तो सबसे पहले क्या होगा कि साइड वाले सेल माइग्रेट करेंगे सेंटर की तरफ जिसकी वजह से एक डिप्रेशन अपीयर होगी और यही डिप्रेशन बेसिकली क्या है प्रिमिटिव स्ट्रीक है आप ये डिप्रेशन जो है एक तरफ बढ़ना शुरू करिए जिसको जिस तरह बढ़ेगी उसको हम इसका एंटीरियर एंड जो है वो बोलेंगे वंस प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड हैव नोट फॉर्म्ड अगर आप इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो इसमें दिस द स्टार्ट पॉइंट ये स्टार्ट पॉइंट है यहाँ से अगर आप इसको देखें सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू हुई है जहाँ से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू हुई है दैट इज एक्चुअली पोस्टीरियर एंड और जिस तरफ ये बढ़ेगी दैट इज एक्चुअली द एंटीरियर एंड है स्टेप टू के ऊपर आप देखें तो प्रिमिन स्ट्रीक आहिस्ता आस्ता आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है ग्रो कर रही है ये स्टेप थ्री के ऊपर ये मजीद ग्रो कर रही है अच्छा अगर आप देखें तो प्रमिन स्ट्रीक में साइड से, से सेल सेटीक की तरफ मूव कर रहे हैं और उसके बाद ये से एंटीर की तरफ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक में सेल्स जो जो स्ट्रीक बन रही है वो बेसिकली साइड वाले सेल जो है वो सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं नंबर फोर के ऊपर अगर हम देखें तो प्रीमीटर स्ट्रीक अपनी फाइनल लेंथ को पहुंच चुकी है अब इसका जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा सा ब्रॉडन है और इसी ब्रॉडन एंड को हम क्या नाम देते हैं नोड का नाम देते हैं सबसे पहले यही वो पोजिशन है जहाँ सेल्स माइग्रेट करके एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान जाएंगे और ये जो स्ट्रीक बनी है ये हमारे पास एपी ब्लास्ट में बन रही है हाइपोब्लास्ट इसकी जो है नीचे मौजूद होगी वंस द प्रीमिटर स्ट्रीक एंड हैं नोड है नाव द टर्न इज फॉर द माइग्रेशन ऑफ सेल्स आप सेल माइग्रेट करेंगे और माइग्रेशन के बाद हमारे पास जो है वो बाकायदा एक्टोडर्म एंडोडर्म और मिजोडर्म जो उसकी फॉर्मेशन होगी सो so, सेल माइग्रेशन का काम जो है सबसे पहले जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं जो टॉप लेयर है देट दे आर कमिंग टू वर्ड्स द पेरीमिटिट्रीक वो माइग्रेट करके मूव करके सेंटर की तरफ आ रहे हैं पेरीमिटिट्रीक की तरफ आएंगे उसके बाद दे विल मूव फॉरवर्ड वो फॉवर्ड कर, मूव करके हैंडस नोट की पोजिशन पर जाएंगे एंड दैन दे विल मूव डाउनवर्ड सेल्स की जो माइग्रेशन डाउनवर्ड होगी दे विल आकोपाई द एरिया बिटवीन एपी ब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट एपी ब्लास्ट और हाइपो ब्लास्ट के दरमियान के एरिया जो है उसको ये कवर कर देंगे उसको जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑकोपाई करेंगे अच्छा जो सबसे पहले सेल्स माइग्रेट करके नीचे जाएंगे दे विल फॉर्म द एंडोडर्म यानी जो माइग्रेटरी सेल में सबसे पहले जो है वो सेल्स जो है वो एंडोडर्म बनाएंगे अच्छा क्वेश्चन ये राइज होता है कि एपी ब्लास्ट के नीचे हाइपो ब्लास्ट भी है तो हाइपो ब्लास्ट एंडोडर्म क्यों नहीं बना रही है उसके रीज़न ये है कि जैसे ही सबसे पहले सेल्स माइग्रेट करके नीचे जाएंगे फ्राम हैंसर्स रोड दे विल पुश द हाइपोब्लास्ट सेल वो हाइपोब्लास्ट सेल को पुश करके एक तरफ कर देंगे और खुद जो है वो स्पेस ऑक्योपाई करेंगे जो आगे जाकर एंडोडर्म बनाएगी तो हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो है वो आगे किस तरह की जो है वो जर्मिनल लेयर्स नहीं बनाएंगे कोई स्ट्रक्चर आगे नहीं बनाएंगे ओके अब सेकेंड टर्न जो है जो सबसे पहले सेल्स के हैं दे आर फार्मिंग द एंडोडर्म सेकेंड टर्न के ऊपर जो सेल्स जाएंगे फ्रॉम हैंडिल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ मिजोडर्म अब मिजोडर्म जो है तो उसके डिफरेंट सेल्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिजोडर्म जो है वो बनाएंगे सबसे पहले सेल जो माइग्रेट करके एंडोडर्म के बाद यानी कि जो सेकेंड नंबर के ऊपर सेल जो माइग्रेट करके नीचे जाएंगे दे विल फार्म प्री कॉर्डल फार्म प्री कॉर्डल प्लेट मिजोडर्म उसके बाद नंबर थर्ड पोजिट के ऊपर जो सेल्स माइग्रेट करके नीचे जाएंगे दे विल फार्म द कॉडा मिजोडर्म तो प्री कॉर्डर और काडा मिजोडर्म तो इस तरह से हैंसर नोड से तीन तरह के सेल्स माइग्रेट करके नीचे जा रहे हैं पहले वाले एंडोडर्म बना रहे हैं दूसरे वाले सेल जो माइग्रेट करके जा रहे हैं दे आर फार्मिंग द प्री कोडर और तीसरे सेल जो माइग्रेट करके नीचे जा रहे हैं दे आर फार्मिंग द काडा मिजोडर्म अच्छा अब हैंसन नोड से थोड़ा पीछे आए परमिटिव स्ट्री का जो दरमियान का एरिया है वहाँ से भी सेल कुछ माइग्रेट करके नीचे जा रहे हैं अब प्रिमिटिव स्ट्री के दरमियान से जो सेल माइग्रेट करके नीचे जाएंगे दे विल फॉर्म द सोमाइट्स इसी तरह से प्रिमिटिव स्ट्री का सबसे जो पोस्टीरियर एंड है वहां से जो सेल माइग्रेट करके नीचे जाएंगे दे विल फॉर्म द लेटरल प्लेट तो इस तरह से डिफरेंट पोर्शन ऑफ सेल जो माइग्रेट करके नीचे जा रहे हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिजोरम जो बना रहे हैं ये हमारे पास एक सिंपल डायग्राम है इसकी कि किस तरह से सेल माइग्रेशन हो रही है सो दिस वन दिस वन द सो नोट सबसे पहले माइग्रेशन यहाँ से होती है नंबर वन के ऊपर जो सेल माइग्रेट करते हैं दे फॉर्म द एंडोडर्म नंबर सेकंड के ऊपर जो सेल माइग्रेट करेंगे हैंसन नोड से फॉर्म द प्री कॉर्डल मिजोडर्म नंबर थर्ड के ऊपर जो हैंसन नोड से सेल माइग्रेट करेंगे द कॉर्डा दिजोडर्म तो इस तरह से हमारे पास वो उसके बाद पीरमिड स्ट्री का सेंटर का एरिया है यहां से जो सेल माइग्रेट करके नीचे जाएंगे दे देवल फार्म दोमाइट सोमाइट्स भी आपको पता है मिजोरम होती हैं ये भी मिजोरम का पार्ट है इस तरह से सबसे जो पोस्टीरियर एंड होगा पिरीमिड स्ट्री का यहां से जो सेल माइग्रेट करके नीचे जाएंगे दे विल फॉर्म द लेटरल प्लेट मिजोडरम इस तरह से हमारे पास सबसे नीचे वाले सेल जो है वो एंडोडर्म बना देंगे देन मिजोडरम है अब जो सेल सबसे टॉप पर रह गए हैं हमारे पास जो कि सबसे टॉप के साल से होते हैं जो एपी ब्लास्ट है अब दैट विल फॉर्म दी एक्टोडर्म नाउ तो इस एक्टोडर्म बन जाएगी मिजोडर्म बन जाएगी और इसके जाएगी, उसके बाद नीचे एंडोडर्म जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी